हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बाय न्यू प्रयागराज यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर लॉन्चिंग ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स सीरीज लेक्चर 1। सो इस टूर में हम लोग जो सफर करने वाले हैं जीरो से लेके हीरो तक, इट मींस स्टार्ट करते हैं बेसिक से और चलते हैं एडवांस प्रो तक। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अपने डायरेक्ट टॉपिक की ओर। तो हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में जो हम लोग का सबसे फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेस देम एंड प्रोड्यूस द आउटपुट रिजल्ट दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर कंप्यूटर क्या है? मशीन है जो क्या करता है, किसी भी डेटा को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू एक्सेप्ट करता है, एंड देन एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो डेटा होता है उस डेटा पे क्या करते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस डेटा पे कोई भी काम कैसे परफॉर्म होना है। तो आपके डेटा पे जो प्रोसेसिंग होनी है वो इंस्ट्रक्शन के बेस पे होता है, एंड देन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद वही डेटा आपका आउटपुट के फॉर्म में, रिजल्ट के फॉर्म में, या फिर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको आउटपुट डिवाइस पे आपको मिल जाती है। तो समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ भी इनपुट किया 3 + 4। अब यहाँ पे अगर बात की जाए 3 की, तो 3 क्या है? 3 एक डेटा है। 4 क्या है? 4 एक डेटा है। कैसा डेटा है? रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जिस पे कोई प्रोसेसिंग ना हुई हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। या फिर हम कह सकते हैं कीबोर्ड से इनपुट किया गया कोई भी की, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर क्या होता है? रॉ डेटा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका 3 और 4 क्या है? नॉर्मल एक डेटा है, रॉ डेटा। बात करें अगर प्लस की, तो प्लस क्या है? प्लस यहाँ पे एक ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये क्या करता है? दोनों ऑपरेंड के हेल्प से उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इट मींस यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा 3 और 4 पे वो इस ऑपरेटर का काम है, वही इस काम को परफॉर्म करेगा। तो हमने क्या इनपुट किया? 3 और 4। 3 इनपुट किया, प्लस इनपुट किया और 4 इनपुट किया। तो ये जो 3 + 4 है यही कंप्लीट क्या बन रहा है? इंस्ट्रक्शन। क्या बन रहा है? इंस्ट्रक्शन। अब इसी इंस्ट्रक्शन के बेस पे वो इस प्रोसेसिंग को करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद फिर क्या करेगा? यही किसी आउटपुट डिवाइस पे रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। इट मींस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कुछ भी इनपुट करना। तो अब इनपुट किससे करेंगे? किसी ना किसी इनपुट डिवाइस से करेंगे। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या फिर और भी इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी इनपुट करते हैं। तो इनपुट इनपुट डिवाइस से होगा, उसके बाद क्या होगी? प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। तो सीपीयू कैसे काम करता है, कैसे कोई किसी प्रोसेस को कंप्लीटली सॉल्व करता है, किसी प्रॉब्लम को, वो हम लोग आगे वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है, फाइनली आपको क्या मिल जाता है? रिजल्ट। उसी रिजल्ट को हम लोग और भी नामों से जानते हैं, जैसे आउटपुट, या फिर हम उसको प्रोसेस्ड डेटा भी कह सकते हैं। प्रोसेस्ड डेटा क्यों कहेंगे? क्योंकि क्या होता है, हम इनपुट क्या करते हैं? डेटा इनपुट करते हैं, वही डेटा पे क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, एंड प्रोसेसिंग होने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है, या फिर उस डेटा को हम लोग प्रोसेस्ड डेटा या फिर इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो हम लोग का कंप्यूटर वर्ड है, हम लोग के पास आया है, वो इस वर्ड कंप्यूट से आया है। कंप्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू कैलकुलेट, कुछ भी गणना करना। तो कंप्यूटर वर्ड किससे आया है? कंप्यूट वर्ड से। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। कंप्यूटर को हम लोग क्या कह सकते हैं? कि ये एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो इस कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद देन वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो कंप्यूटर इज आल्सो अ डेटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर प्रोसेस एंड रिसीव डेटा व्हेनेवर डिजायर्ड। तो कंप्यूटर को हम लोग डेटा प्रोसेसर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किसी भी डेटा को ये स्टोर कर लेता है एंड प्रोसेसिंग करती है करता है, या फिर किसी डेटा को स्टोर कर लिए हम लोग तो उसको वापस से क्या कर सकते हैं, जब भी जरूरत पड़े तो उसको रिसीव भी कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। तो जो काम हम लोग का डेटा पे प्रोसेसिंग वाला होता है कंप्यूटर का यूज करके, इसी के थ्रू हम लोग इसको डेटा प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा इज रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। तो डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल, जिसको यूज करते हैं हम लोग कब, जब कुछ भी इनपुट करते हैं तो वही डेटा क्या होता है, रॉ डेटा होता है। एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। अब वो डेटा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कब चेंज होता है, जब उस डेटा पे क्या होती है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है एज आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, या फिर वही इंफॉर्मेशन हमको आउटपुट के फॉर्म में भी मिलती है आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा पे प्रोसेसिंग होने के बाद वही डेटा हमको किस फॉर्म में मिल जाती है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट आउटपुट प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं तो कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग होती है तो कैसे होती है, या कोई भी काम कैसे परफॉर्म करता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कुछ चीजें, एक पिक्चर बनी हुई है, इसी को हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, या फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू भी कहते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। कैसे इनपुट करते हैं, किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से। अब जैसे ही इनपुट कर देते हैं वो कहाँ चला जाता है, सीपीयू के पास। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इनपुट करने के बाद वो डेटा कहाँ एंटर कर जाता है, सीपीयू में। अब सीपीयू में आपको अलग अलग चीजें डिवाइड होकर दिख रही होंगी। तो सबसे पहले क्या है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट। एंड लास्ट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या इनपुट कर रहे हैं, 3+4 हम इनपुट कर दिए, वो कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन बैठा होगा, कंट्रोल यूनिट। जैसे हम क्या होता है, हम लोग के घर में जो गार्जियन होते हैं सबसे पहले उन्हीं के पास कोई भी परमिशन लेना होता है, कुछ भी काम करना होता है तो उन्हीं के पास जाना होता है। तो सबसे पहले कहाँ जाने वाला है, जो इनपुट किया है हम, कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल, अब मैनेजर को तो पता होगा ना, उसके घर में जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी वर्कर, एग्जांपल लेते कोई कंपनी है, उसके उसका मैनेजर है, उसके मैनेजर को तो पता होगा ना कि जो उसके एम्प्लॉय है तो कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा। तो ठीक वैसे ही कंट्रोल यूनिट को पता है कि यहाँ पे उसके जो दो एम्प्लॉय है ये दोनों अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। तो एक का नाम है अरिथमेटिक यूनिट, इसको हम लोग अरिथमेटिकल यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, लॉजिक यूनिट, इसको हम लोग लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। तो अब अरिथमेटिक यूनिट क्या करेगा, अरिथमेटिक यूनिट किसी भी अरिथमेटिक वर्क को, किसी भी अरिथमेटिक टास्क को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका है लॉजिकल यूनिट। तो लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, आपके लॉजिक वाले वर्क को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे वर्क को कौन परफॉर्म करेगा, लॉजिकल यूनिट। एंड देन क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट को पता है कि कौन सा एम्प्लॉय उसका कौन सा काम करेगा। तो अब हमने क्या इनपुट किया है, 3+4, तो ये कहां पे आया, कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ये अपने एम्प्लॉय को इस वर्क को ट्रांसफर कर देगा। तो किसको ट्रांसफर करने वाला है, अरिथमेटिक यूनिट को। अब अरिथमेटिक यूनिट को वो वर्क मिलेगा और वो इस वर्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, कंप्लीट करेगा, और एंड रिटर्न किसको कर देने वाला है, कंट्रोल यूनिट को। अब देखिए बात आती है यहाँ पे मेमोरी यूनिट की।
तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे कोई काम करवाना है, कोई भी वर्क आपसे परफॉर्म करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वो काम आप तक वो बात पहुंचानी होगी, बतानी होगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं कह दूं आप 2 का टेबल लिख के दिखाइए, तो क्या करेंगे, इस बात को अपने माइंड में स्टोर करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर आपका ब्रेन उस वर्क को परफॉर्म करेगा कि कैसे 2 का टेबल हमें स्टार्ट करना है, कैसे राइट करना है। तो वैसे ही क्या होगा, जब आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट में। फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन होगा उसके बेस पे डिसीजन कौन लेगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट डिसीजन लेने के बाद क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और वो वर्कर इस काम को परफॉर्म करके फिर क्या करेंगे, वापस कर देंगे कंट्रोल यूनिट को। अब आप उस वर्क को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो मेमोरी में सेव कर सकते हैं। मेमोरी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कस हम लोग करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये प्रोसेसिंग हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, 3 + 4 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 7। तो ये क्या आया, आपका रिजल्ट आया, आउटपुट आया। ये आउटपुट कहाँ पे आएगा, कहाँ पे देखा गया ये आउटपुट, आपके आउटपुट वाली स्क्रीन पे, जिसको हम लोग मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्यूटर किसी काम को करता है, इट मींस कंप्यूटर के साथ क्या है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को तो समझता नहीं है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ लेते हैं। वो कैसे समझते हैं, उसके लिए हमें उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमें इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, तो क्या मैं हिंदी नहीं समझ सकता, समझ सकता हूँ। उस हिंदी को पढ़ के, उस हिंदी के रूल रेगुलेशन को पढ़ के हम लोग जान सकते हैं। या फिर एक दूसरा मेथड हो सकता है, हम क्या करें, उस हिंदी को ट्रांसलेट कर ले इंग्लिश में। तो ऐसा ही कुछ काम ये कंप्यूटर भी करता है। तो कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन हम उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। लेकिन उसकी लैंग्वेज को भी समझना उतना आसान नहीं होगा जितना हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे किसी काम को करता है, कैसे किसी बात को समझता है, वर्क कैसे करता है, वो तो लगभग हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कैसे किसी कोड को ट्रांसलेट करता है, कैसे मेरी बात को वो समझता है, वो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक के लिए, थैंक यू।